हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अड्डा चैनल। दिस इज स्पेशल क्लास फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जाम ऑफ मैथमेटिक्स। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट सीरीज 5 पार्ट बी। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दिस इज टेस्ट सीरीज 5 पार्ट बी। तो क्वेश्चन नंबर 16, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 से कि f इज अ फंक्शन गोइंग फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0-1 टू r, बी अ 1-1 फंक्शन, देन f मस्ट बी ऑन टू रेंज ऑफ f कंटेंस रैशनल नंबर, रेंज ऑफ f कंटेंस इरैशनल नंबर, रेंज ऑफ f कंटेंस रैशनल एज वेल एज इरैशनल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मीन्स क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक तो इंटरवल है 0-1 और 0-1 से लेके r तक एक फंक्शन डिफाइन किया है जो कि कैसा फंक्शन है 1-1, मतलब 1-1 फंक्शन को ध्यान में रखते हुए इस मैप को डिफाइन किया है कि f इज अ 1-1 फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0-1 टू r। और हमें पता है कि क्लोज इंटरवल 0-1 में रैशनल्स भी होंगे और इरैशनल्स भी होंगे। सिमिलरली यहां पे भी रैशनल्स होंगे दैट इज q और इरैशनल्स होंगे दैट इज q का कॉम्प्लीमेंट। तो एक काम करते हैं, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 0-1 के सारे ये रैशनल्स हैं और ये सपोज सारे इरैशनल्स हैं। ऐसे रियल नंबर्स में भी ये सारे रैशनल्स हैं और ये सारे इरैशनल्स हैं। और 1-1 फंक्शन ये कहता है कि हर एक एलिमेंट को डिस्टिंक्ट एलिमेंट यहां होने चाहिए, यानी कि जो ये सेट है ये स्मॉलर होना चाहिए और ये बिगर होना चाहिए। सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि ये सेट स्मॉलर होना चाहिए, बिगर ये सेट बिगर होना चाहिए, यानी कि इसके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हमेशा उसके कोडोमेन सेट से कम होंगे, तभी जाके वो फंक्शन कैसा हो सकता है ऑन वन फंक्शन 1-1 फंक्शन। अब ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि एफ मस्ट बी ऑन टू, कि जो एफ होगा वो ऑन टू होगा। अब ऑन टू के लिए ध्यान दो, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं क्यू सेट लेता हूं, मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं सेट क्यू लू या क्यू कॉम्प्लीमेंट लू। अगर क्यू काउंटेबल लेता हूं तो काउंटेबल के लिए तो मेरा रैशनल काफी है, तो रैशनल ही काफी है, तो मतलब इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। अरे सॉरी, तो देखो यहां पे क्या है, ये रैशनल्स हैं और ये इरैशनल है। अब इसमें ध्यान रखना है, इरैशनल कैसा होता है अनकाउंटेबल और रैशनल कैसे होते हैं काउंटेबल। तो अगर मैं सारे एलिमेंट को इरैशनल्स के पास लेके चले जाऊं और इरैशनल कैसे है अनकाउंटेबल। अब हर एक एलिमेंट कहां जाने चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट पे जाने चाहिए। अब मैं कह रहा हूं इस सेट के पास मेरे पास अनकाउंटेबल एलिमेंट है, तो उसके लिए यहां पे कितने एलिमेंट होने चाहिए अनकाउंटेबल। तो सिर्फ रैशनल में ही कितने एलिमेंट है अनकाउंटेबल, यानी कि इसके अनकाउंटेबल एलिमेंट को मैं मैप करा सकता हूं इरैशनल के साथ, तो रैशनल की यहां पर जरूरत नहीं पड़ रही। मतलब ऐसा फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं 1-1 जिसके यहां के सारे एलिमेंट को मैं इरैशनल पे मैप कर दूं, रैशनल को वैसे ही छोड़ दूं, मतलब वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। और ये कह रहा है कि एफ हमेशा ऑन टू होगा, मतलब पहला ऑप्शन रॉन्ग। और इसी एग्जांपल से कह रहा है कि रेंज एफ के अंदर कंटेन करेंगे रैशनल नंबर, बट मैंने सारा मैप कहां उठा के लेके गया हूं कि इसके जो सारे एलिमेंट होंगे उसको मैं मैप करा रहा हूं क्यू कॉम्प्लीमेंट पे, तो रैशनल तो ऐसे भी बच जा रहा है, तो वो भी रॉन्ग हो गया। और लास्ट ऑप्शन में कह रहा है कि रेंज एफ के अंदर दोनों कंटेन करेंगे, यानी कि रैशनल भी और इरैशनल भी, बट मैं तो सारे एलिमेंट को इरैशनल मैप करा रहा हूं। 1-1 फंक्शन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि यहां के हर एक एलिमेंट को यहां पे डिस्टिंक्ट इमेज मिलने चाहिए। यहां पे अनकाउंटेबल है, यहां पे भी अनकाउंटेबल है, यानी कि हर एक एलिमेंट को मैं क्यू कॉम्प्लीमेंट के हर एक एलिमेंट के साथ 1-1 मैप करा सकता हूं। तो देयरफॉर रैशनल्स की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, मतलब फंक्शन ऑन टू भी जरूरी नहीं है, रैशनल कंटेन करेगा रेंज के अंदर ये भी जरूरी नहीं है, और दोनों कंटेन करे ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक केस में इरैशनल जरूरी है क्योंकि यहां पे अनकाउंटेबल है और काउंटेबल इज नॉट सफिशियंट। तो जो रैशनल है ये सफिशियंट नहीं है कि वो क्या करे मैप करा सके हर एक एलिमेंट 0-1 के, ताकि ये कि इसका हर एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट इमेज पे मैप हो क्यू के साथ, क्योंकि क्यू के पास काउंटेबल है इसके पास अनकाउंटेबल। तो मान लो काउंटेबल तो इसके साथ मैप हो जाएंगे, लेकिन जो अनकाउंटेबल एलिमेंट है, यानी कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जिसके लिए कोई इमेज यहां पे बचेगा ही नहीं, तो देयरफॉर रैशनल जरूरी नहीं है कि रैशनल कंटेन करे, बट इरैशनल का होना उसमें कंपलसरी है क्योंकि इरैशनल के पास कितने एलिमेंट है अनकाउंटेबल।
तो देयर फोर ऑप्शन नंबर तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी राइट हो अरे सी राइट हो जाएगा कि रेंज एफ के अंदर कंटेन्स करेंगे इरेशनल। किसी भी केस में एफ ऑन टू होना जरूरी नहीं है, रैशनल होना जरूरी नहीं है, इरेशनल और दोनों होना जरूरी नहीं है, बट इरेशनल हमेशा होंगे। तो देयरफॉर सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे, बाकी ए बी डी ऑप्शन रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर सेकंड तो काफी सिंपल है, इंटरसेक्शन निकालना है, तो क्लियरली इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, सिंगलटन जीरो, तो बाकी ए सी डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। और सिंगलटन सेट ओपन सेट नहीं होता है, तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा सारे पॉइंट वो क्या होंगे, एक सिंगलटन जीरो आ जाएगा। फिर लास्ट ऑप्शन देखो सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस, अब ये क्या कह रहा है कि ये हमारे पास इस सीक्वेंस के लिमिट की वैल्यू निकालनी है, और इसके लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, करते इसको। हमें गिवन क्या दिया है कि हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है इस सीक्वेंस की, कि n इंटू nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ साइन 1 बाय के, वेयर के इज अ वैरी फ्रॉम 1 टू n। इस सीक्वेंस का लिमिटिंग वैल्यू निकालना, यानी कि लिमिट निकालना है n इंटू nth रूट ऑफ साइन प्रोडक्ट ऑफ साइन 1 बाय के, वेयर के वैरी फ्रॉम 1 टू n। तो काम करेंगे n को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे n फैक्टोरियल रेस टू 1 बाय n से, दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n इंटू n फैक्टोरियल रेस टू 1 बाय n अपॉन n फैक्टोरियल रेस टू 1 बाय n। इस n फैक्टोरियल रेस टू 1 बाय n को एज इट इज रखेंगे और इसे अंदर लेके जाएंगे। अब ध्यान से सुनो, ये n रेस टू 1 बाय n है, मतलब मैं इसको अंदर लेके आ सकता हूं। अब n फैक्टोरियल है तो प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इस तरीके से लिखेंगे, मतलब ये कैसे लिख सकता हूं, सिंपल मैं इसको साइन 1 बाय के इंटू इसे k लिख सकता हूं, क्योंकि ऊपर वाले टर्म्स को लेके आ रहा हूं, मतलब ये टर्म्स को मैं अंदर लेके चले जाऊंगा। तो जब इस टर्म को अंदर लेके आऊंगा k, तो मैं k को क्या लिख देता हूं, 1 बाय के, और यहां पे ये प्रोडक्ट, जो ये प्रोडक्ट की वैल्यू है वो k इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n, क्योंकि जब ये वैरी होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे ये k है, तो k के प्लेस 1 रखूंगा, फिर 2 रखूंगा, फिर 3 रखूंगा, तो ऐसे कहां तक जाएगा, n तक, यानी कि वो n फैक्टोरियल, और जब बाहर आएगा तो वो n फैक्टोरियल रेस टू 1 बाय n। लेकिन इस k को मैं कैसे लिखूंगा, 1 बाय, तो अब हमें पता है कि जब मैं लिमिट को अंदर लेके आऊंगा तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, 1, तो 1 का प्रोडक्ट क्या होगा, 1, 1 का nth रूट क्या होगा, 1, यानी कि इस पूरे इस सीक्वेंस की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, 1। तो देयरफॉर हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, दोनों पे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट इस पे भी अप्लाई होगा, लिमिट इस पे भी अप्लाई होगा, बट इस पूरे सीक्वेंस की जो वैल्यू आएगी 1, तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जा रहा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n रेस टू अपॉन n फैक्टोरियल रेस टू 1 बाय n। बट इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n अपॉन n फैक्टोरियल रेस टू 1 बाय n रेस टू 1 बाय n, इस तरीके से लिख सकता हूं। क्योंकि जब ये n मल्टीप्लाई होगा तो n n कैंसिल, n बचेगा और ये n फैक्टोरियल रेस टू 1 बाय n। अब क्या करना है, यहां पे रिमान सम का यूज करना है, बट कैसे यूज करना है, देखो लिमिट सपोज मैं इसको l दे देता हूं, जो भी मेरी l है, और दोनों साइड log l अप्लाई करता हूं, तो जब log l अप्लाई करूंगा तो ये 1 बाय n नीचे आ जाएगा। तो देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 1 बाय n log ऑफ n रेस टू n n फैक्टोरियल। अब इस n रेस टू n अपॉन n फैक्टोरियल को कैसे लिखना है, पता है, n अपॉन 1, n अपॉन 2, सॉल्व अप टू n अपॉन n, इस तरीके से लिख सकता हूं, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n फैक्टोरियल होगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे n रेस टू n, तो इसे मैं समेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 1 बाय n समेशन log ऑफ n बाय k, वेयर k इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n। तो बाय रिमान सम इसे मैं क्या लिख सकता हूं, log 1 बाय x लिख सकता हूं, क्योंकि ये n बाय k है, तो जो k रहता है उसके प्लेस पे x, इसको
की बाय एन को एक्स से रिप्लेस करते हैं और यहां पे वन बाय एन होना चाहिए। तो देयर फोर अगर मैं इसको इंटीग्रेशन में लिखूं, अगर इसी चीज को समेशन में लिखूं तो एल की जो वैल्यू आ जाएगी समेशन जीरो टू वन, जीरो टू वन क्यों होगा क्योंकि एन बाय के है, के के प्लेस पे, तो अगर ये के बाय एन है तो एन की वैल्यू अगर पहले क्या है वन, तो एक काम करेंगे इस पर डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो कोई फाइनाइट वैल्यू है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो, और जब के प्लेस पे एन पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी के इज इक्वल टू एन, तो एन एन कैंसिल होके वन और ये आ जाएगा लॉग वन बाय एक्स। तो लॉग वन बाय एक्स को मैं सिंपल क्या ले सकता हूं, ये हो जाएगा जीरो टू वन, इसको एक्स इनवर्स ले सकता हूं तो माइनस बाहर आके सिंपल ये हो जाएगा लॉग एक्स, तो ये माइनस बाहर आ गया। लॉग एक्स को मैं सिंपल क्या ले सकता हूं, तो लॉग एक्स को मैं सिंपल क्या ले सकता हूं, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा यू इंटू वी रूल लगा के तो ये मेरे पास लॉग एक्स इंटू एक्स माइनस लॉग एक्स, ठीक है ये हो जाएगा। अब ध्यान सुनो जीरो टू वन इस पर लिमिट पुट करना है जीरो टू वन, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले वन का इंटीग्रेशन लेंगे तो एक्स लॉग एक्स को एज इट इज माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल होकर यहां पे एक्स बचेगा, ठीक है जीरो टू वन। अब जब वन पुट करेंगे तो लॉग वन जीरो और ये भी ये कितना हो जाएगा वन, तो ये वन माइनस वन, और जब जीरो पुट करेंगे तो ये वैल्यू भी जीरो क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो और ये पुट करेंगे तो भी जीरो, तो मतलब ये आ रहा है माइनस वन, माइनस वन कितना हो जाएगा वन, तो देयर फोर लॉग एल की वैल्यू वन आएगी और एल की वैल्यू जो होगी वो ई रेज़ टू वन दैट इज, तो यानी कि ये जो सिक्वेंस है वो सिक्वेंस कन्वर्जेंट है और उसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी है ए, तो देयर फोर ये जो सिक्वेंस है इसमें क्या कह रहा है कि सिक्वेंस बाउंडेड है, बाउंडेड है बट नॉट कन्वर्जेंट है, या फिर उसकी कन्वर्जेंट है ई पे कन्वर्ज हो रहा है या फिर कन्वर्जेंट है और वन बाय ई पे कन्वर्ज हो रहा है। तो ये जो ऑप्शन है अनबाउंडेड नहीं है, बाउंडेड है बट नॉट कन्वर्जेंट, ये भी रॉन्ग, कन्वर्जेंट है और कहां कन्वर्ज करता है ई पे, तो देयर फोर डी ऑप्शन रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, एस वन वो सारे फंक्शन है जिसके अंदर लिप्स्किट फंक्शन है, एस टू के अंदर वो सारे फंक्शन है जो कि बाउंडेड वेरिएशन है। हमें पता है कि कोई भी फंक्शन अगर लिप्स्किट कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब बाउंडेड वेरिएशन है, मतलब ये बड़ा वाला सेट इसके अंदर सारे बाउंडेड, अरे बाउंडेड वेरिएशन वाले फंक्शन है और इसके अंदर वो सारे फंक्शन है जो कि लिप्स्किट कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब ये जो सेट है ये बी सेट का सबसेट है, तो देयर फोर जो S1 है वो हमेशा सबसेट होगा S2 का, बट ऐसे बहुत सारे बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन है जो कि लिप्स्किट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। सिंपल एग्जांपल रूट एक्स, ये लिप्स्किट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता बट ये किसी भी कॉम्पैक्ट सेट, फाइनाइट कॉम्पैक्ट सेट पे क्या होगा, सॉरी बाउंडेड कॉम्पैक्ट सेट पे ये क्या हो जाएगा बाउंडेड वेरिएशन, तो देयर फोर एस वन क्या कर रहा है प्रॉपरली कंटेन कर रहा है एस टू के अंदर, तो देयर फोर एस वन properly contain into S2, तो therefore हमारा C option correct हो जाएगा, तो therefore option number A wrong, B wrong, C correct और D option wrong। अब next question कि which of the following is correct, क्या e raise to pi greater than pi raise to e है या e raise to pi greater than pi raise to e है या e raise to pi greater than pi raise to e होगा या e raise to pi is greater than pi raise to e होगा। तो अब ये क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन काफी अच्छा है ये। अब देखो हमें एक्सपांशन पता होता है ई रेस्ट टू एक्स का, अब ई रेस्ट टू एक्स का एक्सपांशन निकालना है तो वी नो दैट कि ई रेस्ट टू एक्स इज समेशन एक्स इज टू एन अपॉन एन फैक्टोरियल वेयर एन इज गोइंग फ्रॉम जीरो टू वन, दैट इज वन प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल सॉल्व टू, ऐसे चलते जाएगा ठीक है। Therefore, e raise to x को, अब e raise to x की पूरी वैल्यू है तो अगर मैं इसमें से कुछ टर्म निकाल दू
तो ये तो हमेशा ई रेस्ट एक्स स्मॉल होगा, दैट इज ई रेस्ट एक्स इज ऑलवेज लेस देन वन प्लस एक्स, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। बट अगर मैं एक्स के प्लेस पे जीरो पुट कर दू, अगर यहां पे x के प्लेस पे जीरो पुट करूं तो ई रेस्टू जीरो और ये भी वन, तो ई रेस्टू जीरो वन और ये वन, तो ये इक्वालिटी ओपन करता है, मतलब x इज ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो हम लोग क्या लेंगे, ई रेस्टू x इज ग्रेटर देन वन प्लस x व्हेन x इज नॉन जीरो एंड x इज ग्रेटर देन जीरो। तो अब क्या पुट करेंगे, इस वन को कैंसिल कर देते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस वन, और हमें यहां पे क्या चाहिए, यहां पे सिंपल हमें पाई चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए पाई बाय ई ले लेते हैं, तो देयर फोर ये हो जाएगा ई रेस्टू पाई बाय ई माइनस वन ग्रेटर देन, तो ये माइनस वन कैंसिल, सिर्फ सिंपल आ जाएगा पाई बाय ई। तो देयर फोर अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ई रेस्टू पाई बाय ई अपॉन वन ग्रेटर देन पाई बाय ई, तो ये ई कैंसिल, और हमें क्या चाहिए, ई कैंसिल करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड ई से, तो ये पाई रेस्ट टू ई और ये ई कैंसिल, देयर फोर ई रेस्ट टू पाई इज ग्रेटर देन ई रेस्ट टू पाई रेस्ट टू। तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि ई रेस्ट टू पाई जो है वो हमेशा ग्रेटर देन पाई रेस्ट टू ई होगा। अब सेकंड केस, बात यह आती है कि या ई रेस्ट टू पाई ग्रेटर देन पाई रेस्ट टू ई होगा या e रेस्ट टू पाई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू पाई रेस्ट टू ई हो। एक काम करते हैं, x के प्लेस पे जीरो पुट करते हैं। तो सपोज अगर मैं x के प्लेस पे जीरो पुट कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा पाई अपॉन ई इज इक्वल टू वन, दैट इज पाई इज इक्वल टू ई, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि पाई की वैल्यू कुछ 1.34 समथिंग होता है और ई की वैल्यू 7.3 समथिंग, तो वो इक्वल नहीं है, तो देयर फोर एक्स को क्या नहीं दे सकते हम, जीरो नहीं दे सकते, देयर फोर ई रेस्ट टू पाई इज ग्रेटर देन पाई रेस्ट टू ई। तो देखो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ई रेस्ट टू पाई इज ग्रेटर देन पाई रेस्ट टू ई, बाकी ये सी डी ऑप्शन रॉन्ग। ऐसे क्वेश्चन नंबर 21 कर सकते हैं, पाई एन प्लस वन अपॉन टू एन प्लस वन फैक्टोरियल। तो जब भी ऐसा फैक्टोरियल वाले टर्म आएंगे तो ई रेस्ट टू, जैसे ई रेस्ट टू एक्स का हमने एक्सपांशन खोला उसी का यूज करके इसे हम सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए एक एन क्रॉस एस नॉन सिंगुलर, पहले देखो जो भी हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते चलना, नॉन सिंगुलर मतलब आइगन वैल्यू जीरो नहीं होगी, ठीक है, तो जिसमें भी जीरो आइगन वैल्यू आ रहा है वो तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, क्योंकि अगर सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है दैट मीन्स उसके सारे आइगन वैल्यू कैसे होंगे, नॉन जीरो होंगे। तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए कि इसमें से बी और सी एलिमिनेट हो गया, क्यों, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है दैट मीन्स कि मैट्रिक्स कैसा है उसकी डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगी, और नॉन जीरो है तो सारे आइगन वैल्यू कैसे होंगे, नॉन जीरो, तो ये दो ऑप्शन तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो गए। अब क्या कह रहा है कि बी ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज देना है, दैट इज ए का ट्रांजुगेट है, ए ट्रांजुगेट यानी कि हम ए स्टार से भी डिनोट करते हैं, ए स्टार ए, और हमें एक चीज पता है कि ए स्टार ए हमेशा एक हार्मिशियन मैट्रिक्स होता है, जैसे ए को ए ट्रांसपोज से ऐड करो या ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो तो वो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ऐसे ही ए को अगर ए के ट्रांजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स हमेशा एक हार्मिशियन मैट्रिक्स होती है, और हार्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू कैसे होते हैं, रियल, ये यहां से पता चल गया, तो यानी कि रियल होंगे तो दोनों में रियल दिया। अब बात यह आती है निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, अब ध्यान से देखो, अगर ए का मैट्रिक्स ए, क्योंकि हमें यहां पर क्या निकालना है, बी का आइगन वैल्यू निकालना, तो अगर सपोज ए का आइगन वैल्यू लैम्बडा है तो ए कंजुगेट का क्या होगा, क्योंकि ट्रांसपोज पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो ए के कंजुगेट का क्या होगा, ए कंजुगेट तो लैम्बडा इंटू इंटू लैम्बडा कंजुगेट, तो लैम्बडा इंटू लैम्बडा कंजुगेट क्या होगा, मॉड लैम्बडा स्क्वायर, और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, बट ग्रेटर देन तो हो नहीं सकता क्योंकि मैट्रिक्स कैसा है, नॉन सिंगुलर है, तो देयर फोर ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी, तो ए बी सी ऑप्शन दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 सिंपल है, सिर्फ मैट्रिक्स फॉर्म करना है और उसके बाद उसका स्क्वायर निकाल के उसका रैंक चेक करना है, तो ये सिंपल रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो सिर्फ क्या निकालना है, इसमें से पहले मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं दिया मतलब स्टैंडर्ड बेसिस,
तो यहाँ पे x1 का कोएफिशिएंट, x1 का कोएफिशिएंट, x1 का कोएफिशिएंट, तो 1 3 2 1 3 2। x2 का कोएफिशिएंट क्या है, 3 4 1 3 4 1। x3 का कोएफिशिएंट 2 1 और -1 2 1 और -1। अगर ध्यान से देखो तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बट इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमको क्या करना है, इस मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालना है और उसकी रैंक चेक करनी है। तो बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन हम इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हो इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 24, ये भी इजी क्वेश्चन है कि ए एक 3x4 रियल मैट्रिक्स है, तो मतलब ए की जो रैंक होगी वो लेस देन 3 होगी, बट उसने पहले से गिवन दिया है कि ए का जो रैंक है वो 2 है। देन द रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए, तो ए ट्रांसपोज ए का रैंक पूछा है। तो सपोज ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है, तो हमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो हमेशा लेस देन रैंक ऑफ ए होगी और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज होगी। बट ए और ए ट्रांसपोज का तो रैंक सेम होता है। अब ए का भी रैंक 2 है, ए ट्रांसपोज का भी रैंक 2 है, तो दोनों का प्रोडक्ट का रैंक एटमोस्ट कितना हो सकता है, 2। उससे कम वाले के बारे में कुछ नहीं कह सकते, बट इतना कंफर्म है 4 तो हो ही नहीं सकता, 3 तो हो ही नहीं सकता, तो एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 हो, बट जरूरी नहीं है कि वो 2 ही होगा, क्योंकि ऐसे मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसकी रैंक 2 से कम हो। बाकी क्वेश्चन नंबर 25 भी सिंपल है, सिर्फ रिमाइंडर निकालना है, क्योंकि एन क्या होता है, इसका रिमाइंडर। तो सिंपल क्या ले लेंगे, पहले 5 का पावर लेंगे 1 पावर पे, तो यहाँ पे ऐसा लाना है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए, 5 के डिफरेंट डिफरेंट पावर लेनी है ताकि यहाँ पे 1 आना चाहिए। बट यहाँ पे अगर 5 का 1 5:1 लू तो 5 - 1 क्या होता है, 4, बट 4 को 11 डिवाइड नहीं करता। ऐसे यहाँ पे अगर 2 लूंगा तो 25 - 1 24, तो 24 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 1 नहीं आ रहा। 125 करेंगे और 125 - 1 124, और इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 110 और 22, यानी कि 121 आएगा, मतलब फिर भी नहीं आ रहा। लेकिन जब 625 लेंगे और 625 को, तो 625 में 624 होगा, तो 624 में 550 74, तो ये भी 11 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, 6 + 4 10 10 - 2 8 8 डिवाइड नहीं होता। फिर अगर इसका हम जब 5 पावर देंगे, दैट इज 3125, और इसमें से जब 1 माइनस करेंगे तो ये 3124 होगा। तो क्लियरली हम चेक कर सकते हैं कि 3 + 2 5 और 1 + 4 5, तो 1 + 2 5 और 1 + 4 5, 5 - 5 0, और 0 11 को डिवाइड करता है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 3125 लूंगा, अरे सॉरी 5:2, अगर मैं यहाँ पे 5 लेता हूँ 5:5, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा मॉड 11। तो अब मैं इसका कितना भी पावर लू, आंसर इसका रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 1। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1, बाकी ए सी डी ऑप्शन रॉन्ग है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, ये बहुत बार बता चुका हूँ, ये आप कर सकते हो, सिर्फ निकालना है। देखो इसकी एक आइगन वैल्यू क्या होगी, इसको मैं सपोज ए दे दूंगा, इसको मैं सपोज बी दे दूंगा। मैट्रिक्स का ऑर्डर 4x4 है, तो आधे मैट्रिक्स का, अरे मतलब जो 4 ऑर्डर है, यानी कि जो 2 आइगन वैल्यू होंगे वो -3 - 2 हो जाएंगे, मतलब ए माइनस बी, क्योंकि ए माइनस 3 है और बी 2 है, और 2 आइगन वैल्यू ए प्लस बी हो जाएंगे, यानी कि -3 + 2, यानी कि -3 - 2 कितना हो जाएगा, -5, और -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल आइगन वैल्यू, अब ये 2 बार है, तो यानी कि 2 - -5 का स्क्वायर प्लस, इसको 2 बार करना है, तो 2 - -1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 - 50, और ये कितना हो जाएगा, 2 52। कह रहा है प्राइम नंबर, तो 52 प्राइम नंबर नहीं है, 52 ऑड नंबर नहीं है, डिविजिबल बाय 13 है, ओनली प्राइम फैक्टर्स आर 13 और 3। कह रहा है उसके सिर्फ 13 और 3 ही 2 फैक्टर्स होंगे, बट 52 को कैसे ले सकता हूं मैं, 26 × 2, दैट इज 13 × 4। तो इसके पास फैक्टर या तो 2 और 13 है, बट ये कह रहा है कि 3 और 13, तो देयरफॉर ये ऑप्शन रॉन्ग, ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए अगर एक 10x10 मैट्रिक्स है, तो कौन सा फॉलोइंग ट्रू है। तो ये सिंपल है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर का n है, तो n के बाद चाहे जितना भी मैं उसका ऑर्डर कर दू, कितना मैं पावर कर दू, उसके रैंक में डिफरेंस नहीं आता।
यानी कि मैं 10 के बाद अगर मैं 11 भी कर दूं तो मेरे को डिफरेंस नहीं आएगा, तो बाकी सारे ऑप्शन के बारे में कुछ नहीं कर सकते, बट ये श्योर है कि जो रैंक होगी ए 10 की और ए 11 की वो सेम होगी। तो ये थे लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन काफी सिंपल है कि जो नंबर ऑफ जीरो होंगे काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको हम लोग बाय रूसी थ्योरम से करते हैं। रूसी थ्योरम ये कहता है कि दो पॉलिनोमियल लेना रहता है, कि एफ ऑफ जेड लेना रहता है और जी ऑफ जेड लेना रहता है। मान लेते हैं अगर जी ऑफ जेड की मॉड की वैल्यू ग्रेटर देन मॉड एफ ऑफ जेड है, तो जितने जितने रूट जी ऑफ जेड के पास होंगे वही रूट दोनों के सम के पास होंगे। तो एक काम करते हैं, यहां पे क्या दे रहा है, मॉड जेड इज इक्वल टू 2। तो अब 2 के अंदर कितने रूट होंगे, अब ये सपोज मेरे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 2, यानी कि मॉड जेड इज इक्वल टू 2। तो 2 के अंदर कितने रूट होंगे, तो एक काम करते हैं हम 2 पुट कर देते हैं। तो हमारे पास पॉलीनोमियल क्या दिया है, जेड इज टू 5 3 जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1। तो 2 पुट करेंगे तो ये 32 प्लस 3 इंटू 2 का क्यूब 8 और ये 4 प्लस 1। अब अगर इससे मैं सपोज जी ऑफ जेड चूज करता हूं तो जी ऑफ जेड कितना हो जाएगा, जेड इज टू 5। देखो ये वैल्यू इससे कम है, और एफ ऑफ जेड को क्या चूज कर लेते हैं, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 3 जेड क्यू प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1। अगर इस पर 2 पुट करेंगे तो 32 आ रहा है, इस पर 2 पुट करें तो 24 28 29। तो 29 लेस देन है, मतलब जो यहां पे मॉड जी ऑफ जेड है वो ग्रेटर देन आ रहा है एफ ऑफ जेड। तो जितने रूट दोनों के सम के पास, इसके पास उतने ही रूट होंगे जितने कि जी ऑफ जेड के पास, और जी ऑफ जेड क्या है हमारे पास, जेड रेस टू 5। तो जेड रेस टू 5 के पास कितने रूट होंगे, इसके अंदर 5 रूट होंगे। तो देयर फोर मॉड जेड इज इक्वल टू 2, इस सर्कल के अंदर इस पॉलीनोमियल के 5 के 5 रूट होंगे। तो देयर फोर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 29, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। एबीसी कोई भी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, मान लेता हूं एबीसी कोई भी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, ये सपोज ए है और ये बी सी हो गया, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि ये वर्टाइसेस हैं एक ट्रायंगल के, क्लोज ट्रायंगल के, और एक एच ऑफ जेड डिफाइन करना है, मॉड जेड माइनस ए मॉड जेड माइनस बी मॉड जेड माइनस सी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन, तो सिंपल मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम यूज करना है। मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई भी फंक्शन किसी भी डोमेन पे, मान लो अगर ये कोई डोमेन है डी, इसके डोमेन पे और इसके बाउंड्री पे अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक है, सपोज ये डेल्टा डी बाउंड्री है, अगर इसके डोमेन पे कोई भी फंक्शन एनालिटिक है इस बाउंड्री पे और उसके अंदर, देन वो फंक्शन हमेशा अटेन करता है अपने मैक्सिमम को उसके बाउंड्री पे, यानी कि बाउंड्री पे क्या करेगा, अपने मैक्सिमम को वो अटेन करेगा। अब क्लियरली मैं अगर एक पॉलिनोमियल ले लू जेड माइनस ए जेड माइनस सी जेड माइनस सी, तो ये एक पॉलिनोमियल होगा एंड एवरी पॉलिनोमियल इज एंटायर फंक्शन, यानी कि वो एवरीवेयर एनालिटिक होगा। तो जो हमने ये 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बनाया, वो भी एक क्लोज ट्रायंगल है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी बाय मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम अपने बाउंड्री पे अटेन करेगा, तो वो अटेन करेगा, बोल रहे कहीं नहीं अटेन करेगा रॉन्ग, अटेन करेगा इंटीरियर पॉइंट पे रॉन्ग, अटेन करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रॉन्ग, तो अटेन करेगा बाउंड्री पॉइंट, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 काफी सिंपल क्वेश्चन है कि इंटीग्रल फाइंड करना है जेड प्लस 2 अपॉन जेड, इसे कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला का थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, बट याद रखना है यहाँ पे जो रेडियस है वो 2 है, क्योंकि जेड को कैसे लिखते हैं, आर इंटू ई रेस टू आई थीटा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो रेडियस 2 दिया है और ये सेमी सर्कल है, तो हमें चेक करना है इसके पोल, पोल चेक करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं इसका, बाय रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके कर सकते हैं, या फिर सेकेंड हम कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला का थ्योरम का भी यूज करके ही कर सकते हैं। तो ये होमवर्क में क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग खुद कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन नंबर 31 भी सिंपल है, अगर हमें इमेज निकालना है डिस जेड मॉड जेड प्लस 1 मॉड जेड इज लेस देन 1, यानी कि ये इंटीरियर पॉइंट है सर्कल का, एक यूनिट सर्कल का, तो इस बाइनरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में इसकी इमेज क्या हो, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल इस एप ऑफ जेड को डब्ल्यू ले लो, जो ये जेड के टर्म्स में है ना इसको डब्ल्यू के टर्म्स में लेके आओ, और जो भी वैल्यू होगी इसको यहां पुट कर दो, मतलब जेड करके जो भी वैल्यू डब्ल्यू के टर्म्स में आएगी, और डब्ल्यू को क्या लिख लेना, डब्ल्यू इमेज है तो उसको मैं कुछ ले लूंगा यू प्लस आई वी के टर्म्स में, तो फिर चेक कर सकते हैं कि इसमें से क्या वो ग्रेटर देन जीरो है या वाई ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब क्या रियल पार्ट का फर्स्ट क्वाड्रेंट है
या फिर इमेजिनरी पार्ट का फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अरे मतलब या अपर हाफ प्लेन है या फिर एक्स ग्रेटर देन जीरो, ना एक्स ग्रेटर देन मतलब राइट हाफ प्लेन है या अपर हाफ प्लेन है या फिर एक सर्कल आएगा इंटीरियर पॉइंट का विद बाउंड्री, तो या फिर नन होगा। तो चेक कर सकते हो, काफी सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ क्या करना है, इसको डब्ल्यू लेना है, एफ ऑफ जेड के प्लेस पर डब्ल्यू लेना है, और जो भी ये जो भी पॉलीनोमियल है इसको किसके टर्म्स में निकालना है, डब्ल्यू के टर्म्स में निकालना है, जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू, और जेड की वैल्यू यहां पुट कर देनी है और फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 कि जी एक ओपन सेट है, टू पॉइंट एक्स वाई आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे कैन बी जॉइन बाय कंटिन्यूअस पाथ कंप्लीटली लाइन इनसाइड जी द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। तो ये इक्विवेलेंस क्लासेस का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है कि कह रहा है कि जी एक ओपन सेट है आर एस टू एन के अंदर, मतलब आर एस टू एन के अंदर एक जी ओपन सेट लेना है, और ये कह रहा है कि इसके अंदर एक्स और वाई आपस में इक्विवेलेंट होंगे, कब, जब मैं इन दोनों पॉइंट को किसी कंटिन्यूअस मैप के थ्रू क्या कर सकता हूं, कनेक्ट कर सकता हूं। मतलब अगर एक्स और वाई दोनों आपस में इक्विवेलेंट है तो देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूअस मैप सच दैट कि एक्स एंड वाई आर कनेक्ट, कि मैं एक्स और वाई को क्या कर सकता हूं, कनेक्ट कर सकता हूं। तो ऐसे कितने इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगे, ये क्वेश्चन है पूछ रहा। और दूसरी बात, ये जो कंटिन्यूअस मैप को मैं कनेक्ट कर रहा हूं, ये जो मैप है वो क्या करना चाहिए, उस सेट के अंदर ही लाइन करना चाहिए। तो ये हम सिंपल कह सकते हैं, ये ऐसा कह रहे हैं कि ये एक सिंपल कनेक्टेड की डेफिनेशन हो गई, कि अगर सेट अगर एक देखो कनेक्टेड सेट का डेफिनेशन क्या है कि कैसे भी खाली कनेक्ट कर दो, बट पाथ कनेक्टेड का डेफिनेशन क्या था, पाथ कनेक्टेड का डेफिनेशन ये है कि अगर ए सेट एक कनेक्टेड है, पाथ कनेक्टेड कब होता है कि इफ देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूअस मैप, कि एक कंटिन्यूअस मैप होगी जिसके हर दो पॉइंट को कनेक्ट कर सकता है। तो इसका जो आंसर होगा, ये एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा फाइनाइट इसके इक्विवेलेंस क्लासेस बन सकते हैं, बाकी ए सी डी ऑप्शन के रॉन्ग हो जाए। क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35। तो ये जो क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन है, ये किससे है, ये सब मॉडर्न अलजेब्रा के क्वेश्चन है। तो इसमें से पहले क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, ये क्वेश्चन काफी सिंपल है। आर ऑफ एक्स एक पॉलीनोमियल रिंग है एक्स ओवर आर, और आई एक आइडियल है जो कि जनरेट हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन से, विद आइडियल जनरेटेड बाय द पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस वन इन आर ऑफ एक्स। तो कह रहा है आई मैक्सिमल होगा, आई प्राइम है बट मैक्सिमल नहीं है, आई इज नॉट प्राइम आइडियल, या फिर आर ऑफ आर एक्स ऑफ आई हैज अ जीरो डिवाइस। तो याद रखना है कि कोई भी आइडियल अगर जनरेट हो रहा है किसी भी पॉलीनोमियल के थ्रू ओवर एफ ऑफ एक्स वेयर एफ इज अ फील्ड, तो अगर आई मैक्सिमल होगा तब जब वो प्राइम आइडियल होगा, तो मतलब अगर आई मैक्सिमल आइडियल हो गया तो वो ऑटोमेटिक प्राइम आइडियल भी हो जाएगा। अब कोई भी आइडियल मैक्सिमल तब होता है जब वो इरिड्यूसिबल पॉलीनोमियल हो, तो क्लियरली एक्स स्क्वायर प्लस वन, अगर मैं इसका फैक्टर करूंगा तो एक्स प्लस आई और एक्स माइनस आई, बट ये तो आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब ये कैसा है, इरिड्यूसिबल पॉलीनोमियल है इन आर, तो देयरफॉर ये कैसा हो गया, मैक्सिमल। अब मैक्सिमल है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये प्राइम आइडियल हो जाएगा, बट ये कह रहा है कि प्राइम है बट मैक्सिमल नहीं है तो रॉन्ग, ये कह रहा है नॉट प्राइम आइडियल है, बट थ्योरम ये है कि अगर फील्ड होता है एफ ऑफ एक्स के ऊपर कोई भी मैक्सिमल आइडियल इफ एंड ओनली अगर वो प्राइम आइडियल होगी, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग। आर एक्स बाय आई, ये भी अब मैं कह रहा हूं ये मैक्सिमल आइडियल है, अगर सपोज एफ ऑफ एक्स अगर एक फील्ड, ये सपोज अगर कोई भी फील्ड है और नीचे अगर ये मैक्सिमल आइडियल है, तो ये जो पॉलीनोमियल है ये हमेशा किसी फील्ड को आइसोमॉर्फिक होता है, बट ये कह रहा अब आइसोमॉर्फिक है मतलब इंटीग्रल डोमेन होगा, तो इंटीग्रल डोमेन है तो इसके पास जीरो डिवाइजर हो ही नहीं सकते, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33, अभी जो क्वेश्चन नंबर 33 है ना, ये रिलेटेड है थोड़ा नंबर थ्योरी से। कह रहा है कि डी एक सेट है 10 टपल्स का, यानी कि जिसके पास कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, मतलब डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू से लेके डब्ल्यू 10 तक, जिसमें हर एक डब्ल्यू आई को 1 2 3 से लेना है, मतलब अगर डब्ल्यू वन के पास चॉइस कितने हैं 1 2 3,
1 2 3। तो अगर डायरेक्टली बोलू तो अगर कंडीशन नहीं होता तो इसके पास कितने ऑप्शन होते, हर एक डब्ल्यू आई के पास 3 ऑप्शन, तो टोटल कितने हो जाते हैं 10 रेस टू 10। बट उसमें ये क्या कह रहा है कि डब्ल्यू आई प्लस 1 क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। यानी कि ये कह रहा है कि एक सेट है डी जिसके अंदर सारे एलिमेंट डब्ल्यू एन है, सच दैट कि जो डब्ल्यू आई को बिलोंग करना है 1 2 3 से, एंड जो डब्ल्यू आई प्लस WI+1 जो है ये एक इवन नंबर। यानी कि इस सेट का इस तरीके का कुछ एक डी सेट दिया है और हमें निकालना है किसके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। अब ध्यान से सुनो, कभी भी कोई नंबर इवन कब होता है, या तो दोनों इवन हो जाए इवन प्लस इवन, या फिर ऑड प्लस ऑड। अगर एक भी इवन और एक ऑड आ गया तो वो हमेशा ऑड होता है, यानी कि दोनों इवन होने चाहिए। बट इसके पास तो एक ही ऑप्शन है 2, तो मतलब इसको भी 2 लेना पड़ेगा, इसको भी 2 लेना पड़ेगा, मतलब हर एक के पास कितने ऑप्शन है 2 2, क्योंकि एक ही 2 है। तो सेकेंड वाले को भी 2 लेना पड़ेगा क्योंकि डब्ल्यू आई प्लस डब्ल्यू दोनों का सम कितना होना चाहिए इवन, तो दोनों अगर इवन वाला केस लेंगे तो हर एक के पास कितने ऑप्शन है 2 2, यानी कि ये कितने ऑप्शन है 1। अब आता है ऑड और इवन का, अरे सॉरी ऑड एंड ऑड का, क्योंकि ऑड और इवन क्या होता है, हमेशा ऑड नंबर होता है। फॉर एग्जांपल 1 प्लस 2 तो कितना होगा 3, और 2 प्लस 1 ये भी कितना होगा 3। यानी कि इवन ऑड लू या ऑड इवन लू वो हमेशा कितना होगा ऑड, लेकिन अगर ऑड ऑड लू जैसे कि 3 प्लस 3 ये 6 हो गया, तो यानी कि 6 इवन नंबर है, और इवन इवन तो इवन ही रहे। तो हर एक के पास अब डब्ल्यू आई के पास ऑड होना चाहिए, मतलब दोनों ऑड, तो दोनों ऑड लेने के कितने चॉइसेस है 2, मतलब हर एक डब्ल्यू आई के पास अब कितने चॉइसेस है 1 और 3, 2 चॉइसेस है। यानी कि इसके पास भी 2 चॉइसेस, इसके पास भी 2 चॉइसेस, इसके पास भी 2 चॉइसेस, तो टोटल कितने नंबर है 10। तो यानी कि टोटल चॉइसेस कितने हो गए 2 रेस टू 10, और एक ये चॉइसेस थे। अच्छा, यहाँ पे हर एक एलिमेंट के पास एक ही ऑप्शन है, वो दो एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन सेकेंड वाले में 2 चॉइसेस है यानी कि 1 और 3, तो हर एक के पास 2 चॉइसेस है, या तो 1 या तो 3, तो टोटल कितने चॉइसेस आएंगे 2 रेस टू 10, और एक चॉइसेस दोनों इवन वाले, ऑड ऑड के 2 रेस टू 10, इवन इवन के 1, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे इसके अंदर 2 रेस टू 10 प्लस 1। तो देयरफोर डी के पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, सिंपल 2 रेस टू 10। तो ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, तो 2 रेस टू 11 प्लस 1 ये भी ऑप्शन रॉन्ग, ये भी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम्स पी, किस प्राइम पी के लिए जो ये पॉलीनोमियल है उसके पास रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन 1। अब रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैं ले लू फॉर एग्जाम्पल पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले रहा हूं, तो 0 इसके एक रूट है, तो क्या ये मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन 1 है। तो ये चेक करने के लिए हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या लेंगे 2x, तो क्या 0 पुट कर दें फिर से रूट आ रहा है, हाँ तो 0 पुट कर दें फिर से रूट आ रहा है। तो देयरफॉर ये कैसा हो गया, मल्टीप्लिसिटी, रूट की मल्टीप्लिसिटी क्या है, ग्रेटर देन 1। तो अगर मैं इसका फिर से डेरिवेटिव लूं तो ये कितना आ रहा है 2, क्या अब 0 पुट कर दें फिर 0 आ रहा है, नहीं, मतलब ये मल्टीप्लिसिटी कितनी इसकी 2। तो अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसकी मल्टीप्लिसिटी n होती है, ठीक है, मतलब n डिग्री का पॉलिनोमियल x रेस टू n की बात कर रहा हूं, x रेस टू n है, सिंपल x रेस टू n है, तो उसका ऑर्डर कितना होता है n ऑर्डर, क्योंकि अगर मैं उसको n टाइम में डेरिवेटिव करूंगा तो भी वो क्या होगा, उसकी 0 होगी, बट जब n प्लस 1 वाला टाइम्स क्या हो जाएगा वो, अरे जो n टाइम की डेरिवेटिव होगी उसकी वो नॉन जीरो वैल्यू आएगी। अब ध्यान से, तो अब क्या करना है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम्स पी डज द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के पास रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन 1 ओवर अ फील्ड कैरेक्टरिस्टिक पी। अब फाइनाइट फील्ड जिसकी कैरेक्टरिस्टिक पी हो, ये तो सिर्फ जेड एन होता है, और जेड एन फील्ड कब होगा, जब जेड पी, वेयर पी इज अ प्राइम नंबर जिसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होती है पी, यानी कि हमें चूज करना है Z2, Z3, Z4 और Z5, एक एक करके चेक करना, तो किसी भी ऑप्शन में अगर राइट आ जाए तो वही ऑप्शन राइट होगा। तो हम 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5 7, बट 5 7 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो स्टार्ट कहां से करेंगे, 2 से। तो अगर मैं Z2 ले लू तो Z2 के पास कितने एलिमेंट है, सिर्फ 0 और 1। हमारा पॉलिनोमियल क्या है, Z4 X4 प्लस X+6, बट
जेड टू के अंदर टू कैसे ट्रेड होते हैं जीरो, तो टू इंटू थ्री मतलब टू जीरो हो गया, तो मल्टीपल भी कितना होगा जीरो, मतलब ये पॉइंट ऑफ वेल इज इक्वल टू एक्स एस टू फोर है। अब अगर मैं इस पे जीरो पुट करता हूँ तो जैसे कि पी ऑफ एक्स क्या हो गया, सपोज एक्स एस टू फोर प्लस एक्स, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव पुट करूं और इसका डेरिवेटिव फाइंड करूं तो डेरिवेटिव क्या होगा फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स, बट ये फिर से क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि हम लोग जेड टू में खेल रहे हैं, तो सिंपल एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं इस पे अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि एक बार जीरो पुट करते हैं एक बार वन पुट करते हैं। अगर मैं जीरो पुट कर रहा हूं, हाँ ठीक है, अगर मैं जीरो पुट कर रहा हूं तो ये वैल्यू कितनी आ रही है जीरो, और अगर मैं यहां पे जीरो पुट कर रहा हूं तो ये वैल्यू कितनी आ रही है जीरो। तो सॉरी, यहां पे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन, तो जब जीरो पुट करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है वन, तो ये तो हर बार वन ही होगा, तो अगर मैं इस पे जीरो पुट कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू जीरो आ रही है और यहां पे जीरो पुट करने पे ये वन ही आएगा। ठीक इसी तरीके से जब मैं वन पुट करूंगा तो ये तो फिर से जीरो आ रहा है बट ये वन, तो मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन वन कब होगी, जब जीरो पुट करने पे यहां भी जीरो आता है उसके डेरिवेटिव भी जीरो आती है, बट इसके डेरिवेटिव तो कॉन्स्टेंट है तो ये तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, मतलब इस पॉलिनोमियल की जेड टू के अंदर जो मल्टीप्लिसिटी होगी वो वन होगी, तो देयरफॉर ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, यानी कि पी इज इक्वल टू टू के लिए भी हो। अब किसके लिए करेंगे, पी इज इक्वल टू थ्री के लिए करेंगे, दैट इज जेड थ्री, जेड थ्री मतलब जीरो वन टू, पॉलिनोमियल था एक्स एस टू फोर प्लस एक्स प्लस सिक्स, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा एक्स एस टू फोर एक्स, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एस टू फोर प्लस एक्स लेंगे तो जो पी डैश एक्स होगा वो कितना आ जाएगा फोर एक्स क्यूब प्लस वन। अब यहां पे ये जीरो नहीं होगा क्योंकि ये फोर का मल्टीपल है, थ्री के टेबल में तो फोर नहीं आता, ये तो थ्री के टेबल में आता नहीं, तो अब एक बार एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू वन पुट करेंगे और एक्स इज इक्वल टू टू पुट करेंगे, जीरो पुट करने पे वैल्यू जीरो, जीरो पुट करने पे वैल्यू वन, तो ये तो कैंसिल हो गया, वन पुट करने पे टू, वन पुट करने पे फाइव, फाइव का मतलब हो जाता है टू, तो ये भी जीरो नहीं आ रहा है। टू पुट करेंगे तो टू पुट करने पे इसकी जो वैल्यू होगी टू रेस टू फोर सिक्सटीन प्लस टू एटीन, और एटीन थ्री के टेबल में आता है यानी कि जीरो, टू का क्यूब कितना होगा एट, एट फोर जा थर्टी टू प्लस वन थर्टी थ्री मतलब जीरो, यानी कि जेड थ्री के अंदर एक्स इज इक्वल टू टू पुट करने पे इस पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन वन, तो वो पी की वैल्यू क्या है थ्री। अब एक वैल्यू ट्रू हो गया, सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है, तो देयर फोर पी इज इक्वल टू थ्री ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, तो उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।